नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद राहुल का ये पहला विदेशी दौरा है और नतीजों से उत्साहित राहुल गांधी इस बार विदेशी धरती पर पीएम मोदी, बीजेपी और संघ पर खूब बरसे हैं। अब विपक्ष के नेता हैं, सरकार की तारीफ तो करेंगे नहीं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं और वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे बहुत गहन रिसर्च के बाद वो कुछ कहेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। यानी फैक्चुअल होगा, फैक्ट पर आधारित होगा। राहुल गांधी ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू में भारत और चीन की तुलना की है आपस में। चीन से तुलना की तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई भी अगर आपसे बड़ा मुल्क है या आपसे ज्यादा बेहतर कर रहा है तो फिर आप तुलना कर सकते हैं कि वहां बेहतर है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने रोजगार के मामले में भारत को चीन से पीछे बताया। पहले वो बयान मैं आपको सुनाती हूं और उसके बाद फैक्ट्स पर बात करेंगे। नॉट एवरीवेयर ऑन द प्लैनेट हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ओके? द वेस्ट हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इंडिया हैज एन एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, but there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वेस्ट में हाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीन में हालात ठीक है। एक बार तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, भारत में चीन से ज़्यादा बेरोजगारी होगी, वहाँ तो बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है। लेकिन रुकिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के तराजू पर ये बात हल्की है। विश्व बैंक के 2023 के आंकड़े बिल्कुल बगल में कुछ देर में आपके चलेंगे, ये आंकड़े कहते हैं 2023 के भारत में बेरोजगारी दर 4.2% है, बेरोजगारी दर, जबकि इस वक्त चीन में बेरोजगारी दर 4.7% थी, यानी भारत में 0.5% ज्यादा बेरोजगारी दर, रोजगार दर नहीं। अब हो सकता है कि आप कहें कि 2023 में चीन थोड़ा पीछे रह गया होगा, लेकिन मोदी कार्यकाल के पूरे आंकड़े अगर आपके सामने रख दूं तो पिछले 2 साल से भारत ने रोजगार देने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। और आंकड़े देख लीजिए, 2021 तक भारत में चीन के मुकाबले बेरोजगारी दर ज्यादा थी, लेकिन 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 4.8% हो गई, जबकि चीन में बेरोजगारी दर 5%। यानी 2022 और 2023 में भारत रोजगार देने के मामले में चीन से आगे है। अब हो सकता है राहुल गांधी 2021 में ही रह गए हों, या फिर उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बेरोजगारी दर को याद कर रखा हो, क्योंकि जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब चीन के मुकाबले भारत में बेरोजगारी दर दोगुनी थी, ये सच है। 2013 में भारत में बेरोजगारी दर 8.1% थी, चीन में सिर्फ 4.6% थी। 2014 में भारत में बेरोजगारी दर 8% थी, चीन में सिर्फ 4.6% थी। और ये सारे आंकड़े विश्व बैंक के हैं, ना चीन के हैं ना भारत सरकार के हैं। अब राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को पढ़े बिना अपने विचार रख दिए हैं या डेटा देखकर भी वो अनजान बने हैं, ये उनकी टीम ही बता सकती है, वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ राहुल गांधी ने एक और बयानबाजी जो की वो गलत है, उसी यूनिवर्सिटी के मंच से महिलाओं को लेकर। पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद तथ्यों को आपके सामने रखो। This is part of the ideological fight between the BJP and us, right? The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. इसमें भी हमने आंकड़े खोजे। राहुल गांधी ने इस बयान को देने से पहले शायद आंकड़े नहीं देखे, वो आंकड़े हमारे पास है, क्योंकि अगर उन्होंने आंकड़ों को देखा होता तो बीजेपी को महिला विरोधी तमगा देने से पहले वो अपनी सरकारों को ध्यान में रखते। कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है ये आप भी जानते हैं, और अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो 139 ईयर्स, 139 साल,
यानी देश के आजादी के वक्त से ही वो मुख्य पार्टी के रूप में है। 70 साल में ऐसा कोई वक्त नहीं रहा जब किसी राज्य में उनकी सरकार ना रही हो। उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से बताइए कितने महिला मुख्यमंत्री रखी गई? 5। इस देश में 1980 में एक पार्टी बनती है, भारतीय जनता पार्टी, जो पहली बार राज्यों में अकेले दम पर सत्ता में 90 के दशक में आती है, और उसकी तरफ से कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? 4। किसी पार्टी के पक्ष लेने की यहां बात नहीं है, आंकड़ों की बात है। क्योंकि जब आप महिला विरोधी कहते हैं किसी एक पार्टी को या किसी एक विचारधारा को, तो फिर आंकड़ों के तराजू पर आपको तोला जाएगा, आपके तथ्यों को तोला जाएगा। बीजेपी वो पार्टी निकली जिसके राज में ही 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है, तो फिर सवाल ये उठता है कि महिला विरोधी कैसे? 2029 के लोकसभा चुनावों में ये लागू हो भी जाएगा, यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो फैक्ट्स और आंकड़ों के लिहाज से फिर गलत। हालांकि राहुल के ये बयान सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई के लिए दिए गए हो सकते हैं। जवाब बीजेपी को देना चाहिए, राहुल के बयान का जवाब वो कैसे देते हैं वो बीजेपी जाने, लेकिन तथ्य क्या बताते हैं वो आपके सामने रखें। और आज इसीलिए गूंज में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए खास मेहमानों को हमने बुलाया है, और पूरे बहस के मरकज में ये सवाल रहने वाले हैं। पहला सवाल यही कि आखिर राहुल गांधी किस मकसद से अमेरिका में ये बयान दे रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महिला का मसला हो, चाहे वो जातिवाद हो। और इसीलिए सारे खास मेहमानों का परिचय और फिर शुरू करेंगे गूंज। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।